हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिला चित्रकूट ब्लॉक मानिकपुर है, ये गांव रामपुरिया है। यहाँ का कोटा यहाँ से 10 किलोमीटर सरैया मिलता है। यहाँ के लोग इस तरह से जूझते हैं कि सरैया से कोई वाहन नहीं चलते हैं। जब जिस दिन कोटा मिलता है उस दिन लोग सिर पे अपना बोरी लाते हैं या तो चंदा लगा के अपना ट्रैक्टर करते हैं, उससे अपना गल्ला लाते हैं। लोगों को पैदल आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनके लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत दिक्कत होते हैं कि मतलब वो गल्ला लेकर पैदल नहीं चल पाते हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ के लोगों का मांग है कि यहाँ कोटा बटने लगे तो हम लोगों के लिए ज़्यादा राहत होगा, ठीक होगा, क्योंकि हम लोग मजदूर इंसान है, पूरा दिन का मजदूरी छोड़ के कोटा लेने जाते हैं। मानिकपुर क्षेत्र में इस तरह से कई गाँव है कि आउट गांव के कोटा कहीं मानिकपुर में कहीं सरैया में मिलता है। हमारे गांव में तो नहीं मिलता, हमारे सरैया जाते हैं किराया भाड़ा लगा के। जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़ी मजबूरी है, दावत चाहे जाते मगर किराया पर दिए पर जगह नहीं मिले, समस्याएं। अब इतना बड़ा गांव है कि एक ट्रैक्टर में गेहूँ गल्ला नहीं आता तो कहाँ लड़का बैठाएं, कहाँ हम भी बैठे, तो किराया तो मान ली लगता, फिर दाबे दूबे चले जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं ते पैदल जाते हैं तो अपना मुड़े में लेते आते तो थक जाते हैं। अब बेचारे बड़ी समस्याएं हो जाती, न रेंगे पावे न चले पावे, बूढ़ी बूढ़ी लड़कावा तमालीन जौन रह गई तले आती हैं। सकहरे जाई थे, साँझ के आई थे, 5-5 बजे आई थे। सरैया में तो सरैया में मिलता है पर हमार अहरी सहरी रामपुरिया मुस्लिमपुर दिक्कत ही दूरी है हमारे जाने आने में। पास में हमारे कोटा आ जाए तो अच्छा है, चाहे जो सरकार हो। हमारे गांव में कोई वह नहीं आवाता है, वोट लेने को भर आते हैं और नहीं अब कोई सुविधाएं नहीं। देखी गरीब भूखन मरता है कि गरीबन के बच्चे भी भूखन मरते हैं। इतनी दूर जाई थन आई थन हमार पारुख नहीं आए तो यह हुआ था है नहीं कि मतलब है नहीं नेरे आ जाए कोटा हनी ताकि हमहू का समतुल हो। वाहन की है 30 रुपया 60 रुपया तब अंगे से वाहन गल्ला आ रहा है। अब पैसा नहीं हो तो यह हुआ था कि नहीं जाता ही हमहू खाई पाली दुनियन के हनी हमें न थके माँ न जावा हो न कुछ हो तो हम अब का करी। यह कोटा हरी की तैयार यहाँ दया कोलाने माँ आकी तो आए आहरी माँ दया। यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि आप यहाँ से हम जा रहे हैं किराया भाड़ा लगा के, कोई भी साधन मंगवा सकते हैं, किसी से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। किराया भाड़ा जब लगाओ तब जाओ और अगर अंगूठा नहीं लगता है तो वहाँ से वापस लौट आओ, पैसों भी लग जाता है। तो कभी कभार पैसा नहीं रहता है तो मान के चलो कि रुके रहते हैं, फिर जब पैसा हो जाता तो तब उठा के लाते हैं। यहाँ से करीब चला गया है 3 साल बाद हो गया। हम लोगों को ये चाहते हैं कि हमारा ग्राम सभा में कोटा मिलने लगे तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई लोग जौन हैं तो ले सकते हैं, आ सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। हमको अब ये है कि जैसे अब आजकल हम बीमार हैं तो अब कौन लाएगा हमारा कोटा, कौन हमको कोटा देगा। अब पैदल 3 कोस जमीन रेंगने में ये उम्र में हम नहीं जा पाते हैं। आखिर नेरे नगीचे होता तक गढ़िल मड़िल घसील मसील किसी दादू को किसी बेटा को नाती पुता का भेज देते ले जाते। 11 मजरे हैं सरैया में और 1193 कार्ड हैं, 5414 यूनिट ये पात्र गृहस्थी के हैं और अंत्योदय कार्ड है 79। सरैया कोटा जो है सस्पेंड हो गया है, वो सस्पेंड होने के बाद ये खरौंद में मेरे यहाँ अटैच है। जो कोटे सस्पेंड होते हैं वो दूसरे कोटे में कोटेदार के यहाँ अटैच कर दिए जाते हैं तो फिर वही बांटता है। तो एक सस्पेंड हुआ तो दूसरा एक पटेल कब बना तो पटेल ने कुछ हरकतबाजी की तो SDM साहब उसका कोटा सस्पेंड कर दिए तो फिर हमारे यहाँ अटैच हो गया। ये अटैच हो गया 6-7 महीना। अब इस कोटा को सरैया न्याय पंचायत में अटैच होना चाहिए, कानूनन नियम ये है, लेकिन अब वो सरैया न्याय पंचायत से काफ़ी दूर गांव पड़ जाते हैं। मैं पढ़ता हूँ नज़दीक तो इसलिए मेरे यहाँ वो अटैच करते हैं। व्यवस्था जब वो आ जाते हैं तो
तो दूसरे आदमी का वितरण बंद हो जाता है, पहले दूर वालों को हम देना शुरू कर देते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं तब पास वालों को देना शुरू करते हैं। कोटेदार का जहाँ होगा वहीं तो बांटेगा ना, घूम घूम थोड़ा बांटेगा वो। कोटेदार भी सस्पेंड चल रहा है और संबंध है खरौन में जो एकदम फरैया से लगा हुआ है, तो जब बहाल होगा नया या फिर नया कोई चेंज होगा तभी चेंज हो पाएगा, बीच में नहीं चेंज हो सकता ना। अब तो ऑनलाइन है, उसमें किसी भी कोटे दुकान से जाके ले सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है। अपना कार्ड ले जाए, जो नजदीक पड़े वहाँ जाके ले लें, पोर्टेबिलिटी लागू हो गई, कहीं मनाही नहीं है अब आज की डेट में। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।